आज की इस नए वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कैसे आप किसी भी टू व्हीलर फोर व्हीलर किसी भी व्हीकल के नंबर से आप उसकी डिटेल निकाल सकते हो। वो व्हीकल किस ओनर के नाम पे है, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, कौन सी वो गाड़ी है, कौन सी क्या है, ऑलमोस्ट सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, वही आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक पूरा कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज इसे एक लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। साथ में आपको इस एप्लीकेशन में किस तरीके से सारी डिटेल्स वगैरह नजर आएगी वो मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एम परिवहन नाम से एक एप्लीकेशन आएगी, यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा साइड में, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। देन जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड, एम परिवहन आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। जैसे ही इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेते हो उसके बाद आपको देखिएगा यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नजर आ रहा है, RC एंड उसके बाद यहाँ पे नजर आ रहा है DL। ये दो ऑप्शन नजर आ रहा है, एक तो आप ड्राइविंग लाइसेंस है उसके बारे में जानो और एक होता है RC के बारे में। तो अभी मैं यहाँ पे RC मेरे पास अवेलेबल है, गाड़ी का नंबर उसके बारे में बताऊंगा, या आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आप ड्राइविंग लाइसेंस से भी इसे सर्च कर सकते हैं, आप अपना खुद का ड्राइव भी कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए यहाँ मैं अगर गाड़ी नंबर की बात करूं तो यहाँ पे मैं एक गाड़ी नंबर यहाँ डाल देता हूँ, RC वाला जो नंबर है यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। सिंपली मैंने एक नंबर यहाँ पे डाल देना है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं नंबर डालूंगा तो उसकी डिटेल मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने नंबर डाला RD14 है ना, उसके बाद मैंने डाला KD3A77। जैसे ही मैंने ये डाला तो ये डिटेल मेरी यहाँ पे निकल के आ जाएगी सामने, इस गाड़ी का कौन ओनर है, इसमें किस नाम से ये गाड़ी है और कौन सी ये गाड़ी है। ठीक है, तो देख लीजिए ये मेरे पास डिटेल निकल के आ चुकी है। ठीक है, अब ये डिटेल क्या निकल के आई है, ये डिटेल आ चुकी है इनकी। अभी देखिए मैं अपना खुद का गाड़ी का नितेश अग्रवाल मेरा नाम है, आपको पता ही है, यहाँ पे मैंने डाला 3788, ये मेरी गाड़ी का नंबर है। यहाँ पे मैंने इसको सर्च किया, जितने भी लोगों को आप सर्च करते हो रिसेंट सर्च में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए ये मेरी गाड़ी की डिटेल आ गई ऊपर। ठीक है, सबसे पहले ये आपका गाड़ी का नंबर आ जाता है और कौन सी कंपनी की गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है वो आपको यहाँ देखने को मिल गई। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा नाम आ चुका है, कौन से RTO में ये रजिस्टर्ड है उसके बारे में बता दिया इन्होंने, एक मोटरसाइकिल स्कूटर, ठीक है, टू व्हीलर ये आ गया, पेट्रोल वाली ये गाड़ी है ये बता दी इन्होंने, रजिस्ट्रेशन जो है वो 23 जुलाई 2015 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था बाइक का। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए ये भी बता रहा है इंश्योरेंस, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस कब तक है, मेरी गाड़ी का भी 2 दिन बाद एक्सपायर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये इन्होंने बताया कि व्हीकल, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, फिटनेस 4 ईयर 0 मंथ, मतलब मेरी गाड़ी को लगभग यहाँ पे कितना टाइम होगा, व्हीकल एज लिखा हुआ है ना उन्होंने, तो मेरी गाड़ी को अभी 4 साल हो चुके हैं बाइक को। तो ये सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट यहाँ डिटेल मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए अगर रिसेंट में अगर कोई चालान हुआ है आपकी बाइक पे या टू व्हीलर पे फोर व्हीलर पे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पे सारी डिटेल बता देगा, नो चालान, मैंने पिछले 2 साल में मेरी गाड़ी का कोई चालान नहीं, और भगवान ना करे कभी आपका भी चालान हो, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे DL वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे अपना DL का नंबर या किसी का भी DL का नंबर डालते हो तो सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यही था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ यार वीडियो में जो कुछ मैंने बताया आपको जरूर से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव रिलेटेड वीडियोस चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में। जय हिंद।